पश्चिम बंगाल के चुनावी रण को साधने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और कमान खुद नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। बीजेपी हर हाल में ममता के किले में सेन लगाकर कमल खिलाना चाहती है। ऐसे में जब मोदी चुनावी रैली कर रहे हैं तो निशाने पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार का करप्शन का मुद्दा रहा है। मुझे भी बताया गया, कल ही चाय बागान में मजदूरी करने वाले हमारे दो साथियों की मौत हो गई। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर कारण सरकार का उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार, चाय बागान के नाम पर कंपनियों के साथ मिलीभगत करके अपनी राजनीति चलाना, और आपने देखा होगा नारदा मालूम है ना, टीवी पे ये मां माटी और मानुष वाले मनी ले रहे थे, मनी, और कैमरा के सामने और काम के बदले में आप पैसे दे दो आपका काम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इतना तो कम पड़ेगा, काम बहुत बड़ा है, जरा ज्यादा देना पड़ेगा। कोई ये तो कह रहा है इस बार तो इतना दिया, अगली बार कितना दोगे। ये मां माटी मानुष कभी मौत सुनाई देता है, कभी मनी का कारोबार सुनाई देता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं दिल्ली से बार बार इस विषय को कहता रहा, आखिरकार मुझे हमारे मंत्री निर्मला जी को यहां भेजना पड़ा। पहली बार भारत सरकार का मंत्री चाय बागानों में गया, चाय बागान के मेरे मजदूरों के साथ बैठा, उनकी समस्याएं सुनी, और बाद में मुझे कठोर निर्णय करना पड़ा कि इन चाय बागान के मजदूरों की भलाई के लिए चाय बागान की कंपनियों को एक्वायर करने का निर्णय करना पड़ा ताकि उनका भला हो। लेकिन ये ममता दीदी की सरकार देखिए, वो ये मालिकों से ऐसी मिली हुई है कि दोनों मिलकर के कोर्ट में चले गए और स्टे ले आए। आपका मैं कल्याण करना चाहता था, उसमें भी रुकावट डाल दी गई, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं गरीबों के कल्याण के मेरे काम को कभी रुकने नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, हाल ही में कोलकाता में गिरे फ्लाईओवर के मुद्दे पर भी टीएमसी की सरकार को जमकर घेरा और इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। मोदी ने मौत पर सियासत साधने वालों को खूब सुनाया और टीएमसी और लेफ्ट दोनों को मौत के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाने के जरिए सियासत की बात की। इस चुनाव में हराम हो, क्या डिबेट चल रही है? लेफ्ट वाले कहते हैं कि ममता जी के राज में कितनी हत्याएं हुई,
तो ममता जी कहती है आपके राज में इतनी हुई है। लेफ्ट वाले कहते हैं ममता जी के जमाने में इतने बलात्कार हुए, तो ममता जी कहती है आपके जमाने में इतने बलात्कार हुए। लेफ्ट वाले कहते हैं ममता जी के राज में इतने कौमी दंगे हुए, तो ममता जी कहती है तुम्हारे राज में इतने दंगे हुए थे। लेफ्ट वाले कहते हैं कि ममता जी आपके राज में रास्तों का हाल ऐसा है, तो ममता जी कहती है आपके राज में रास्तों का हाल ऐसा था। ममता जी कहती है मैं पूछना चाहता हूं क्या ये चुनाव में यही डिबेट चलेगा क्या कि ममता जी के समय कितनों पर रेप हुआ और लेफ्ट के समय कितनों पर रेप, ममता जी के समय कितने मरे और लेफ्ट के समय कितने मरे। ये ब्लेम गेम अच्छा होता आप ये चर्चा करते कि लेफ्ट वालों ने 1000 किलोमीटर रास्ता बनाया था, दीदी ने 2000 किलोमीटर बना दिया। लेफ्ट वालों ने 50 स्कूल खोली थी, दीदी ने 200 स्कूल खोल दी। लेफ्ट वालों ने बच्चियों की भलाई के लिए ये किया था, तो दीदी ने बच्चियों की भलाई के लिए ये किया था। ये स्पर्धा होनी चाहिए थी, लेकिन स्पर्धा ये हो रही है कौन ज्यादा बुरा है, उसी की स्पर्धा चल रही है। आपको जानना होगा दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, तो अच्छे की खोज करोगे कि नहीं करोगे। मोदी बंगाल में जनता से वोट की अपील कर रहे थे और विकास के मुद्दे पर और सिर्फ विकास पर ही वोट मांग रहे थे। मेरा 3 एजेंडा है और उन 3 एजेंडा पर मैं काम करना चाहता हूं। पिछले 2 साल से लगातार कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल में आप हमें सेवा का अवसर दीजिए, ये 3 एजेंडा पर काम करने चाहता हूं। मेरा पहला एजेंडा है विकास, मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, हमारी हर समस्या का समाधान विकास में ही है। मोदी से विकास तक ही सीमित नहीं रहे, विकास की बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने अच्छे रास्ते, जॉब्स और शिक्षा में सुधार के लिए भी लोगों से वोट मांगा। भाइयों बहनों, मेरे 3 एजेंडा है, 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा है विकास। क्या है पहला एजेंडा? जोर से बोलिए पहला एजेंडा। मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। दूसरा एजेंडा क्या है? दूसरा एजेंडा क्या है? जोर से बोलिए दूसरा एजेंडा क्या है? और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। भाइयों बहनों बताइए मेरा तीसरा एजेंडा क्या है? मेरा तीसरा एजेंडा क्या है? पहला एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा विकास, तीसरा एजेंडा विकास। विकास ही मेरा एजेंडा है। मुझे गरीबों के घर में रोशनी लानी है भाई, मुझे गरीबों को घर देना है, मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, गांव तक रास्ते बनाने हैं, सड़क बनानी है, लोगों को रोजगार मिले। अब मुझे बताइए यहां पेपर मिल किसने बंद की भाई? पेपर मिल किसने बंद की? ये बर्बादी कौन लाया? ये अब सब कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पेपर मिल बंद होती थी और बंबू की खेती करने वाले किसान हैं, उनका भी नुकसान हो जाता है, उनका भी नुकसान। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में मेरा आपसे एक ही मंत्र है मेरा, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार बनानी है, मुझे नौजवानों को कमाई के लिए सरकार बनानी है, मुझे बुजुर्गों के लिए दवाई के लिए सरकार बनानी है भाई, मुझे गांव को सड़क मिले इसलिए सरकार बनानी है,
हमें घरों में बिजली पहुंचे इसलिए सड़क बनानी है, हमें गरीबों को रहने के लिए घर मिले इसके लिए सड़क बनानी है भाई।